यहाँ बुआ की विदाई हो गई, साथ साथ हम लोग आए थे और साथ साथ में जा रहे हैं, और बुआ का भी कोछा पड़ चुका है, मतलब सब लोग आज घर से चले जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे विदाई हो रही है हम सबकी, हमें भी कोछा पड़ चुका है। यहाँ पे दीदी कोछा डलवा रही है, यहाँ पे विदाई में कोछा पड़ता है। ये चावल, पैसे, हल्दी, सिंदूर। बाय बाय कर दो फिर। तो गाइस यहाँ पे भी भाभी कह रही भाग जाओ जाओ, देखो दे रही विदाई, कह रही रास्ते में खिचड़ी सबको मंगा रही इकट्ठे ही। तो गाइस हम लोग चल दिए अपने अपने घर, गाड़ी में बैठ गए, साइड में सब छोड़ने आए। नेहा भाभी है और सब लोग हैं, दीदी भी जा रही है, मतलब साथ में आए थे हम सब लोग, साथ में जा रहे हैं। बाय। हाँ इस साइड में बुआ भी बैठ गई, जा रहे हैं। हाँ सेल्वी बहुत खुश है, सेल्वी के पापा आ गए लेने। हाँ इधर लव इस पैर छू रहा है, खुश रहो खुश रहो। हम ना बैठी रचनी को उठा लो, छोड़ो कब कुर्ता छोड़ो। खुश रहो, खूब बड़े हो जाओ। गाइस यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब ऑर्डर हो गया है मेरे लिए चाउमीन और इनके लिए फ्राइड राइस, और सेल भी यहाँ पे पी रही कोल्ड ड्रिंक, और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो मायरा को और लबिस को, आयु को, और क्या बोलते हैं मायनवी को, सबको छोड़ के आई, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा, जो लड़कियाँ मायके जाती हैं उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ससुर लाते हुए। और यहाँ पे ये बैठी है जो कि भाग रही है, बातें मेरी सुनना पसंद ही नहीं करते। तो ऑर्डर करने जा रहे हैं हम लोग, खा के फिर निकलते हैं। फिलहाल मैं झूले पे बैठी हूँ, अभी जाइए जहाँ ऑर्डर करते हैं। अच्छा लगता है वहाँ पे, हम ये भी मानते हैं कि मायके में अगर माँ नहीं होती है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरी भाभियाँ माँ से बढ़ के हैं, बहुत प्यार करती हैं। मेरी तीन भाभी फिलहाल इस टाइम में, तीनों बहुत प्यार करती हैं हम सबको, माँ की कमी महसूस नहीं होने देती हैं, तो अच्छा लगता है गाइस। इसीलिए मतलब लगता है अगर वहाँ से आने लगो, अब उन लोगों के सामने तो आंसू नहीं निकलते हैं लेकिन बाद में बहुत तकलीफ होती है। मतलब फ्राइडे को ही हम लोग गए थे, गोरखपुरिया भाभी के साथ गई थी मैं, और आज फ्राइडे है, फ्राइडे को मैं रिटर्न हो रही हूँ। थोड़ा होता है, लगता है पापा भी थोड़ा इमोशनल हो रहे थे, लेकिन मैं वहाँ पे हंस रही थी इसलिए ताकि वो लोग भी खुश हो जाएं कि हाँ हमारी बेटी जाते वक्त भी खुश है। इसलिए बेटियाँ होती हैं गम छुपाने के लिए, हम छुपा लेते हैं, हर बेटियाँ छुपा लेती हैं माँ बाप के सामने अपना गम। हालांकि कोई गम नहीं होता है, मतलब कोई टेंशन नहीं होता है, ससुराल इतना अच्छा है मेरा, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि मुझे ससुराल से ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मायका अपना अलग ही होता है, जो भी है कुछ भी हो जाए मायका मायका ही होता है। पहले खाते हैं फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, और हमें अभी एक घंटा और लग जाएगा फरिया पहुंचने में, क्योंकि अभी जंगल पार करना है हम सबको, और टाइम वाइज हो रहा है 10 बजने वाले हैं शायद, हमको लगता है 11:30 बजे या फिर 12 भी बज सकते हैं पहुंचने में। तो फिर वीडियो का एंड कल ही होगा, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट। आ चुका है पनीर चाउमीन, जो कि सेल्वी स्टार्ट भी कर दी है खाना, मेरे लिए आया है मैं इसे ही खाऊंगी, और मेरे हस्बैंड ऑर्डर किए हैं फ्राइड राइस और मेरा पनीर चाउमीन है। यहाँ पे झूलते झूलते खाएंगे, और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत खा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे खा रहे हैं मेरे हस्बैंड खाना, फ्राइड राइस, मशरूम फ्राइड राइस है, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती मस्ती। सेल्वी दे रही सैलेड पापा को। गिर गया क्या? नीचे गिर जाने दो, आप खा लो।
गाइज ये है दीक्षित ढाबा। मेरे हस्बैंड गए हैं मीठा और नमकीन कुछ नाश्ता वगैरह लेने, क्योंकि घर पे इस टाइम कुछ भी नहीं है। मैं नहीं थी तो था ही नहीं कुछ भी वहाँ पे, तो ये लेने गए हैं। मैं वहाँ से बैग करके आई हूँ गाड़ी लेके, फिर यहाँ पे मैं सामान ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड अंदर चले गए, बोल रहे चलो साथ में खरीद लो। मैंने कहा नहीं, मुझे एसी में रहना है, गाड़ी यहाँ पे ऑन है। तो बाकी खाना पीना सब अच्छे से हो ही गया, और टाइम मैं आपको बता रही हूँ, बार बार टाइम बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग टाइम जानिए 10:23 हो रहे हैं, मतलब 23 हो रहे हैं। तो बाकी लेके आते हैं सामान, फिर निकलते हैं घर के लिए। खाना पीना तो मेरा हो ही गया, और मेहंदी मेरी कुछ इस टाइप की हो गई है, इतना अच्छा मतलब रचा नहीं है, लगा भी नहीं है, डिज़ाइन भी अच्छी नहीं है, रचा भी नहीं है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं जैसा भी है। शुभ काम था, शुभ साहित्य का काम अच्छा ही होता है, तो ऐसा रहा। और आज दीदी बुआ को बहुत मिस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मिस यू दीदी और बुआ।